जे तोर मर्दा के तोर भतरा के दारू पियाई के लेतो अगर हमार नाम से भी केओ कि नहीं हमें जरा में पार्टी के लागे दारू दयो पटक के मारी हमने दारू सपोर्ट नहीं कभी करबो साफ सब कह दो हमने एकदम दारू देके सपोर्ट नहीं करबो बनना सांसद बनना हमने के मकसद ना है यदि हतलाए तो खाली राहुल गांधी जी माननीय अयले हथिन खाली गलती से कह दे दलिया ऊपर को न प्रदेश के महामंत्री के चाहे प्रदेश अध्यक्ष के कि राहुल गांधी से कहिए आपका जीप में जरा महतो भी शामिल होना चाहता है दो मिनट देरी नहीं करता ले आज उनका अपन झारखंड में बनवा लिया यानी हमने की इच्छा एमपी एमएलए बनना ना है हमने की इच्छा है कि झारखंडी में एगो चेतना जगाना हमने की इच्छा है कि झारखंडी में एगो समाज के जगाना कि ओकर में समाज होना चाहे कि सही की लागे यार गलत की लागे मैं तो विधायक मंत्री बाद में बन बन पहले झारखंडी में समझ होना चाहिए तो चूंकि आज यहां जितना जान आइले हा साधु सन्यासी गए बात नहीं हाथ खड़ा करा तो साधु लग रहे मतलब कुछ भी अरे साधु सन्यासी पीर फकीर हो जाए साधु संत ऋषि मुनि पीर फकीर ककरा बोलल जाए ना जिसका सर में छाता नहीं बैंक में खाता नहीं घर परिवार से नाता नहीं तोर पत्नी हो रे दो दो को छोवा हो रे तो ऐसा साधु सन्यासी पीर फकीर कैसे भाई गली हाथ खड़ा कर दली और ये हमारा पूरा समझ के हम कहे कहले कि साधु सन्यासी कह के लगा ना साधु सन्यासी ये लगा पीर फकीर ऐसा आदमी लगा जगराज संपत्ति के इच्छा ना सही बात लगा बाकी हमें रो चाहे कोहनी रो चाहे पुलिस वाला सब रो चाहे मीडिया वाला सब रो चाहे सरकारी नौकरी करे वाला चाहे प्राइवेट नौकरी करे वाला ओकर की इच्छा है घर गृहस्थी यानी संपत्ति अगर आप सभी को टैगर जयराम महतो का भाषण सब आ रहा होगा तो लाइक करना शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक करना जितना भी मीडिया कर्मी आएले है अगर दो पैसा तोहनी के माध्यम से इनकम ना बताए काम करते लाइक करते यानी अगर हमने साधु सन्यासी पीर फकीर ना लागे अगर हमने गृहस्थ जीवन के जिए वाला आदमी लागे नून तेल हरद चाहिए कपड़ा लता चाहिए पिंधना ओढ़ना चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए यानी हमने की लागे गृहस्थ गृहस्थी तो भाई हमने के पहला संपत्ति क्योंकि आज तक लीडर में तो संपत्ति के बात नहीं करे करो जबकि बात संपत्ति की होना चाहिए बिहार अगर कोई गार्जियन अगर 4 बजे भोर उठ के अगर ईटा भट्टा में काम करे जाए तो संपत्ति खातिर जाए कोई अगर कोयला ठेले जाए संपत्ति खातिर जाए ककरो मैया अगर 5 बजे भोर साग सब्जी तोड़ के बेचे ले जाए संपत्ति खातिर जाए तो सही खातिर गंभीरता पूर्वक सुन कि हम कहे की चाहिए संपत्ति दो प्रकार के होवे है खास कर तने चूल पाकल पाकल दादू मिला तो नहीं समर्थन करवा संपत्ति दो प्रकार के भेव है एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति चल संपत्ति के मतलब लगो मोबाइल मोबाइल वा चलते चलते ढांगी से बलियापुर चल जी तो चल संपत्ति लगो ये चार चकवा चाहे 16 लाख के लगो चाहे 16 करोड़ के ये चलते चलते धनबाद से गिरिडीह और रांची निकल जी तो चल संपत्ति लगो मैया मसिया तो नहीं खेचा में जे हार हो सोना के वो 2 लाख के लगो चाहे 2 करोड़ के लगो वो चल संपत्ति लगो ससैया से चल के पुतैया ही ठीक चल लेतो यानी सब संपत्ति के गारंटी ना हो चल संपत्ति मतलब की गारंटी ना वो चल लेतो कहां चल लेतो कैसे चल लेतो के ले लेतो अगर कोई गारंटी ना हो तोर एक एगो संपत्ति हो जकर गारंटी हो उतर बाप के पूर्वज के जमीन के टुकड़ा जकरा अचल संपत्ति बोलो और यदि झारखंड के आंदोलन के समझ में तो तोरा अचल संपत्ति के समझे तो आज अगर झारखंड में सबसे ज्यादा खतरा हो यदि आज झारखंड में सबसे ज्यादा संकट हो तो तोर अचल संपत्ति के हो तोर जमीन के टुकड़ा के हो आज देख ले कभी झरिया बाहर के आदमी के गिरफ्त में हलाय ओकर बाद धनबाद ओकर गिरफ्त में ले देख ले ढांगी में भी प्लॉटिंग भय लागल देख ले बरवाड्डा में प्लॉटिंग है लागल अरे बरवाड्डा और ढांगी तो चढ़ टुंडी रोड में प्लॉटिंग भय लागल अरे तो चाची यार राजगंज में प्लॉटिंग है लागल लेकिन झारखंडी आदमी आज तक ना समझ पा रहा है कि हमार नुकसान की भय देख एक लाइन हम सीधा कहबो
आज दारू मौत गांजा छोड़ के अपन संपत्ति पे ध्यान नहीं, अपन शिक्षा अपन राजनीति में ध्यान नहीं। मैं तो एक काम कर, बिहार शादी मत कर, छुआ मत जमाओ। की कर तो मस्जिद के दुनिया में, मंदिर के दुनिया में, रेलवे के प्लेटफॉर्म में भीख मांगतो की मत जमा कोई। अगर मैं हंसे कर रहा की बात हो, जब तोरा अपन संपत्ति के ख्याल न को बाप तोरा के जमीन के कोड़ी के भाव बेच रहा है, एकरा अपना बेच रहा है, तो आखिर बच्चा जन्म की उद्देश्य से नहीं भाई। इसलिए आज झारखंड के आदमी सबसे पहला काम कर, आज के बाद एक बित्ता जमीन ना बेचियो। आज तक पीएम सिंह के बोल भी, राज सिंह नाम के बोल भी, पूर्णिमा नीरज सिंह के बोल भी और रागनी सिंह के बोल भी, बोलने की है तो जमीन तो ना दे रहा ली, वोट तो ना दे रहा ली। इसलिए आज तोरा जागरूक है तो, और आज अगर तो जागृति तौर में ना आयो, आज अगर तौर में चेतना ना आयो, तो 20 साल बाद लिख ले, पता नहीं हम जिंदा रहे कि नहीं रहे, लेकिन यहाँ में से 95-99% आदमी जिंदा रहा, 20 साल बाद देख लिया झारखंड के दुर्गति की। इसलिए आज अपन संपत्ति के चर्चा कर, आज राजनीति के चर्चा कर, आज शिक्षा के चर्चा कर, नहीं तो पता चलते मुर्गी अखड़ा में बिजी रह गए सब खत्म। आज कितना तकलीफ से झारखंड राज बन रहा है, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो के शहादत रहे, मणिनाथ मंडल के रहे, रसिक हांसदा के रहे, या नेपाल रवानी के रहे, आज कितना तकलीफ से झारखंड राज बन ले। इस बात के सबके चिंता करे है तो कि झारखंड राज बन ले किस उद्देश्य के साथ, झारखंड राज के निर्माण कहे करल गए, एक हरेक झारखंडी की अगर चिंता नहीं करवा तो आज बहुत बड़ा दुर्गति है, तो इतना बड़ा दुर्गति है तो कि राज रहते हमने भीख भी ना जुटतो। ठीक कहा कह लियो, तुम्हें तो ज्यादा लेल है की ठीक कह लियो। और जितना माय मौसी तो नियाल है, एक बात कह दबो, 2024 में जन मुजरा नेता अगर दारू दे के वोट ले तो खबरदार, नहीं तो तोर मर्दा के दारू पिया तो आज भी तोर से वोट ले तो। अच्छा बताओ ना, अभी इतना सुंदर लोग हमें दुआ कराई 100 बच्चर बाँचे, लेकिन अगर हटन से निकलते निकलते अगर कोई एक्सीडेंट भाई जितना की दशा होते वोट बोले हे बेशरम, तनियो लाज ना लाग हो, दारू पिया के लगे सब हमके बेशरम कहयो, वोट दे चाहे ना दे सब के लगे हमें बेशरम कहयो, निर्लज कहयो, जितना तो रुपया है हमरा तोनी वोट ना चाहे, हम नेता बने ना लियो, इस समाज में सुधार कर आएंगे, एकदम बेशरम है। अभी बताओ, अभी तो एक महीना के रिपोर्ट उठा तो जीटी रोड के घटना के एक्सीडेंट के, एक महीना के कम से कम 25 को लड़का के जान गया था, ए सुनील दा, कम से कम 25 को लड़का के जान गया था, अगर उम्र कितना है पता हो, 25 साल से 35 साल, ककरो बिहाह भेल है 6 महीना, ककरो 2 बच्चर, ककरो माय बाप भी अभी जवान है, ककरो मैयो पप्पा भी जवान है, और ओकर बेटा स्वर्ग सुधार गया। कितना तकलीफ लगते, मैया पप्पा जिंदा है, ओकर पत्नी के अभी 6 महीना भेल है, ककरो 2 महीना के बच्चा है, ककरो 4 साल के बच्चा है, बताओ कितना दर्द के बात है। लेकिन बेशरम झारखंडी, एक न मैया के चिंता हो, न अपन जेनिया के चिंता हो, न अपन छोआ के चिंता हो, इधर हुआ अगर अमृत लगे तो जितना दीदी सब हा धोनी के एक लाइन कहबो, जिंदगी भर तो गार और मार खेबे कर रहा, एक दिन लग घरे ढुकाए के ये बीटा बांधा है ना से बरिहा में बांध के निक रगड़ रगड़ पीट इगला इमुजरा गिला के, इमुजरा गिला के रगड़ रगड़ उल्टा उल्टा आई ना ही पारे तो गोतनिया के कहीं आओ, गोतनिया के कहीं आओ धार करा, उठा उठा पटक ना, तो ही बताओ ना दीदी, अगर आज कुछ भाई तो तोर की के देख तो तोरा, आज तोर 4 साल भेलो बिया है, तोर 6 साल भेलो बिया है, कर दुगो छोटो छोटो गीदा रहो, अरे मो जरा दारू पियो चमड़ा छाल के पीट जे हते देखल जित, एकदम तो यदि अपन पति के पीटे खातिर तैयार है तो हमनी तोर साथ खड़ा ही, लेकिन शुरुआत तोरे करे हतो,
हम माना है मैं गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी में कह रहा हूँ। एक महीना के मैं 25 गो लड़का मर गए, यह दारू पी के रोड में एक्सीडेंट भई के हम तोर भविष्य खातिर कह रहा हूँ। तो भोर से भी अगर 20 में अगर दो रुपया अगर टोकले हमारा तो इंदे ढांगे पहाड़ में चढ़ा के तोड़ने का भी हिसाब कर। गलती से हमारा टोके ना तोड़ने पर हमारा पारा हाय रहा है, अपन भदवा अपन घर रहा। हमें पीएम सिंह और राज सिंह नाम के नेतागिरी करना है, लेकिन दारू लेके लबो जे बीच में बटने अगर दो रुपया भर के आ देंगे परसा गजर लेके अगर तभी ठीक कर दे एकदम बीच में नहीं बटने के बेशरम सब कहीं के दारू पी के। यहाँ बताओ ना आज जयराम महतो अगर चार बार भी जन्म ले तो की सुधार कर तो बताओ तो तोर खुद में चेतना नहीं खो तोरा खुद सुधरे के ना हो तो सही खातिर हम एकदम साफ साफ कह देबो 2024 में एक भी ऐसा आदमी के वोट ना दिए जे तोर मर्दा के तोर भतरा के दारू पिया के लेतो। अगर हमार नाम से भी केओ कि नहीं हमें जरा में पार्टी के लागे दारू दयो पटक के मारी हमने दारू सपोर्ट नहीं कभी करबो। साफ साफ कह दो हमने एकदम दारू दे के सपोर्ट नहीं करबो।